Welcome to online class SST class 8 resource utilization and development. Resource के utilization and development के बारे में हम आज पढ़ेंगे. Resource. Nature has bestowed upon our mother earth with a large variety of rocks, soils, minerals, vegetation, animals. We use all these gifts of nature fulfill our day-to-day needs, है ना. तो resource किसको बोलेंगे, we get all these things from the earth, hence all the things on earth which necessary for our existence on this planet are known as resource. जो अर्थ में हम लोग जो रहते हैं, जो चीज़ भी हम लोगों को ज़रूरत होता है ना, हम लोग नेसेसरी अत्यावश्यक होता है, आवश्यक होता है रहने के लिए, उसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे, है ना. बहुत टाइप का रिसोर्स है. ह्यूमन्स, एवरी ह्यूमन्स बींग्स आर कंसिडर एज ए रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन आर बींग एन एसेट, है ना. और ह्यूमन बींग को भी रिसोर्स माना जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग भी उसी के अंतर में आते हैं, है ना. विदाउट ह्यूमन बींग नो एनी रिसोर्स कैन बी डेवलप, है ना. ह्यूमन बींग अदर रिसोर्स को भी डेवलप करते हैं, तो ह्यूमन को भी रिसोर्स माना जाता है. विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन स्किल अदर रिसोर्स कैन बी डेवलप, है ना. और ह्यूमन स्किल की वजह से ही अदर रिसोर्स डेवलप हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता. ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर इन स्टैटिक्स ईयर्स ओवर ईयर्स. दे ग्रेजुअली ग्रो बिकम द कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस चेंज इन सोसाइटी, है ना. और ह्यूमन का जो नीड और वांट्स है हर टाइम सेम नहीं रहता है. पहले जो स्टार्टिंग में जैसे था, अभी हम लोग का वांट्स और जो नीड्स है सब अलग अलग है. हर आदमी का जो डेवलपमेंट क्या चाहते हैं, वांट्स और उसका नीड सब अलग अलग होता है. इन एंशेंट टाइम एम्फेसिस वाज द मेनली गिवन द सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, है ना. और सच एज फूड्स, क्लॉथिंग्स एंड शेल्टर व्हिच वाज डेरिव्ड फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट. आज पहले जो एंशेंट टाइम में, है ना, आदमी क्या चाहते थे, बस खाने के लिए मिल जाए, है ना, और पहनने के लिए और रहने के लिए कुछ घर मिल जाए, तो वो उनका डेवलपमेंट था, वो उनके लिए फुलफिल करने के लिए चाहते थे. बट अभी पिलग्रिम्स ऑफ अफ्रीका ईट्स एडिबल्स प्लांट रूट फ्लावर्स फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स इन एडवांस सोसाइटी ग्रेटर एम्फेसिस लेट ऑन द यूटिलाइजेशन रिसोर्स सेटिस्फाई मल्टीफैक्टर नीड्स एंड ह्यूमन बींग. और अभी के लिए ह्यूमन का जो नीड्स है बहुत सारे हैं. हम लोग बस ऐसे खाने के लिए और पहनने के लिए और रोकने के लिए नहीं है, और बहुत सारे चीज़ हम लोग को फुलफिल करना है. यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ऑल्सो. और प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम में उनका यूटिलाइजेशन रहता है. अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिस अलोंग द रिवर्स वैली एज दे यूज वाटर्स इरीगेटेड फील्ड. नाउ ह्यूमन्स आर बींग यूजिंग वाटर्स जनरेटिंग एनर्जी, है ना, जनरेटिंग एनर्जी इन इरीगेशन नेविगेशन इंडस्ट्री एट्सेट्रा. चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया, है ना. और पहले लोग आदमी क्या करते थे, जो रिवर है रिवर का बस हम लोग नेविगेशन के लिए यूज किया जाता था. बट अभी नेविगेशन के साथ साथ इरीगेशन भी हो पाता है, नेविगेशन भी हो पाता है, है ना, और इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग रिवर का वाटर को यूज करते हैं, है ना. और जैसे हम लोग चाइना और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो यूएसए बोलते हैं, वो विंड एनर्जी को यूज कर पाते हैं, है ना. उसके बाद हम लोग इंडिया वाले उसको यूज करते हैं, है ना. देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, है ना. रिसोर्स बिकम्स यूजेबल्स व्हेन दे आर प्रोसेस, है ना. जो प्रोसेस में प्रोसीड होता है तो उसके बाद यूज हो पाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन से इज कन्वर्टेड इन टू द यार्न एंड द फर्दर प्रोसेसिंग इट कन्वर्टेड इन द फेब्रिक देन फाइनली इन टू द गारमेंट्स, है ना. थस इट इज वेरियस स्टेज वेलिएबल टू एडिशन प्रोसेबल्स बाय अप्लाइंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी, है ना. जो कॉटन को हम लोग तो तुरंत नहीं पहनते हैं, उसको पहले यार्न होता है, धागा होता है, धागा से कपड़ा होता है, कपड़ा से हम लोग फिर
वो कपड़े बनता है उसको भी फिर हम लोग टेलर के पास मशीन में सिलाते हैं, फिर हम लोग उसको पहनते हैं, है ना। ये एक प्रोसेस के माध्यम से हो पाता है ना। उसमें प्रॉपर स्किल और टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है तब रिसोर्स यूटिलाइज हो पाता है ना। देर मैनी फैक्टर देर आर से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फर्स्ट थिंग इज एबिलिटी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का एबिलिटी होना चाहिए। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग का स्किल होना चाहिए, है ना। एबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी भी होना चाहिए उसको यूज करने के लिए। देन एबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी होना चाहिए उसको यूज करने के लिए। देन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ टूल्स एंड मशीन, है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी का भी प्रॉपर वो होना चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए, नहीं तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। देन एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, है ना। कम्युनिकेशन और फैसिलिटी के लिए भी अच्छा से डेवलप होना चाहिए, तब जाकर रिसोर्स का हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एबिलिटी ऑफ रिसोर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स, है ना। पहले पहले जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एबिलिटी ऑफ कैपिटल्स एंड स्किल्स लेबर बिकेम द नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, है ना। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना चाहिए। देन कैपिटल, स्किल लेबर भी होना चाहिए। जो हम लोग के पास सब होगा लेकिन स्किल लेबर नहीं होगा तो हम लोग उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए टर्म एज द डेवलप कंट्री बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस। हम लोग जानते हैं कि यूएसए को क्या बोलते हैं, डेवलप कंट्री बोलते हैं, क्योंकि वो उनके पास बहुत पैसा है, सेल्फ सफिशिएंट पैसा है, इकोनॉमिकली भी डेवलप है और टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, तो इसको डेवलप कंट्री बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल द डेवलपिंग स्टेज, अभी वो डेवलप कर रहे हैं, डेवलप नहीं हो पाया अभी तक, तो उनको क्या बोलते हैं, डेवलपिंग स्टेट बोलते हैं स्टेज। थ्रू द रिसोर्स एसेंशियल्स फॉर डेवलपमेंट बट दे आर मेयर प्रेजेंस नॉट गारंटी डेवलपमेंट। अदर फैक्टर ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल डेवलपमेंट के लिए, और भी बहुत सारे फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को देखेंगे। देर आर चार टाइप्स डिवाइड किया गया है, रिनेबिलिटी के हिसाब से। देन रिनेबिलिटी के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से, ऑकरेंस के हिसाब से एंड डेवलपमेंट के हिसाब से। देन रिनेबिलिटी के हिसाब से दो टाइप्स डिवाइड किया गया, देर आर टू टाइप, वन इज रिनेबल्स एंड नॉन रिनेबल्स। ओरिजिन में बायोटिक एंड एबायोटिक, देन्स ऑकरेंस में नेचुरल एंड मैन मेड, एंड डेवलपमेंट में पोटेंशियल एंड एक्चुअल। ये रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेटस वी लर्न अबाउट ईच वन बाय वंस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिनेबिलिटी, रिनेबल्स रिसोर्स आर ऑल्सो नोन एज द इनएक्सेसिबिलिटी रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू आइदर्स नेचुरली और बाय ह्यूमन इफेक्ट आर नोन एज द रिन्यूएबल्स रिसोर्स। दो रिसोर्स को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं बाय साइंटिफिकली मेथड और नेचुरल प्रोसेस की, उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल्स रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। द क्वालिटी ऑफ दिस रिसोर्स कैन बी अफेक्टेड एंड इन प्रॉपर यूजेस, है ना, उसको प्रॉपर हम लोग यूज कर पाते हैं, है ना। जैसे ये हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रिन्यूएबल्स रिसोर्स में विंड मिल है, ठीक है। देन ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दो रिसोर्स विच कैन नॉट बी रीयूज और कैन नॉट बी रिन्यू, और उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स, और उसको इन अदर वर्ड्स में एक्सेसिबल्स रिसोर्स भी माना जाता है। दे कैन नॉट बी रिन्यू, ये एक बार यूज हो जाता है तो उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। एनर्जी रिसोर्स है सच एज कोल्स है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है एंड अदर मिनरल आर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। ये अर्लियर क्लास में आप लोग डिस्कस पढ़े हैं अभी हम लोग, है ना। देर आर इच ए कंसर्न अबाउट द ओवर एक्सप्लोटेशन, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंप्लीटेड यूटिलाइजेशंस, है ना। जो नॉन रिन्यूएबल्स है हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, फॉसिल्स फ्यूल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सब उन्हीं का एग्जाम्पल है ना। और उसको फुलफिल होने में बहुत सारा टाइम लगता है ना, हज़ार हज़ार साल लग जाता है, ठीक है। सब मिनरल लाइक मेटालिक्स ओर्स गोल्ड एंड सिल्वर आर
रिसाइकलेबल, दिस मेटल्स में भी यूज अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, है ना। कुछ मेटालिक है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, ये एक बार यूज होते फिर दोबारा भी यूज कर सकते हैं हम लोग उसको, है ना। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन की बेसिस से देर आर ऑल्सो टू टाइप ऑफ रिसोर्स, वन इज बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। दो छुआर कम फ्रॉम द बायोस्फीयर और लिविंग बींग्स इज नोन एज द लिविंग सॉरी लिविंग बींग इज नोन एज द बायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट, ये सब बायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स आर प्रोवाइड वेराइटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड जेनरेट। ऑल बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यू बट सम टेक लॉन्ग पीरियड टाइम टू रिन्यू। फॉर एग्जाम्पल्स द फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट बहुत टाइम लगता है उसको रिन्यू होने के लिए भी, ठीक है। देन नॉन लिविंग रिसोर्स आर नोन एज द एबायोटिक रिसोर्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे है लैंड है, वाटर है, मिनरल है, ये एबायोटिक रिसोर्स में इंक्लूड होता है, है ना। रिसोर्स आर नॉट रिन्यूएबल्स एक्सपेक्ट द वाटर, वाटर को छोड़कर बाकी जितने भी है ये इनएक्सेसिबल है, ये रिन्यू नहीं हो पाते, बस वाटर हो पाते हैं, है ना। डायमंड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द अकरेंस, अकरेंस जो उत्पत्ति के हिसाब से, है ना, क्रिएशन के हिसाब से देर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। जो रिसोर्स नेचर से डेरिव होता है, नेचर से आता है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे वाटर है, मिनरल है, फॉरेस्ट है, ये कोई किसी ने नहीं बनाया है उसको, ये ऑटोमेटिकली नेचर से गिफ्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये है नेचुरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, और जो आदमी बनाता है, जो मैन मेड होता है, जो आदमी ह्यूमन बींग उसको क्रिएट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। वही देयर आर नोन एज द रिसोर्स क्रिएट बाय द ह्यूमन बींग सैटिस्फाई देयर नीड टू नोन एज द नोन एज मैन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड है, बिल्डिंग है, मशीन है, ये पहले से नहीं था, ये आदमी बनाया है, है ना, ह्यूमन बींग उसको क्रिएट किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्स। द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द पीपल कंट्री डिटरमाइन द इट्स ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी और क्वान्टिटी जो रहता है वो ह्यूमन रिसोर्स में डिपेंड करता है। हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटी इन पॉजिटिव वे, एंड माल न्यूट्रिशंस एंड इलिटरेट पीपल ऑन द अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट द मच टू देयर रेस्पेक्टिव सोसाइटी। जो एजुकेटेड पीपल है, जो वेल हेल्दी पीपल है, वो सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर पाता है। जो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, तो वो लोग अनहेल्दी है, वो लोग इतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते हैं सोसाइटी के लिए। फॉर ह्यूमन रिसोर्स में वेल डेवलप्ड हम लोग जापान को देखेंगे, स्किल पीपल टेक्नोलॉजिकली रहते हैं, अफ्रीकन नेशन इंस्पाइट ऑफ द बींग रिसोर्स लेस डेवलप एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अनस्किल एंड इलिटरेट अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है, इट इज़ क्लियर। देन क्लासीफाई बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के हिसाब में रिसोर्स आर टू टाइप, पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स किसको बोलेंगे, अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द कंट्री व्हिच आर नॉट फुल्ली ट्रैप्ड और नोन एज द पोटेंशियल रिसोर्स, जो फुल्ली हम लोग उसको नहीं यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट रॉक एंड ऑफ हिमालय, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जेनरेट बाय द फोर्स ऑफ द फेलिंग वाटर, हम लोग पता है लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते। जैसे हिमालय में पेट्रोलियम्स है और ओल्ड सेडिमेंट रॉक में है, तो हम लोग पता है कि यहाँ है बोलकर लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। सर्वे से बस पता लगा है, प्रीलिम असेसमेंट ऑफ द US जियोलॉजिस्ट सर्वे सजेस्ट दैट एट्रिक सी बेड्स में हैव द 25% ऑफ वर्ल्ड अनडिस्कवर्ड ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिजर्व बाय द एस्टिमेट 400 बिलियन बैरल्स ऑफ द वर्ल्ड माइट बीनेस द एयर सी बेड, है ना। एक सर्वे से पता चला कि 25% जो सी बेड में यहाँ पेट्रोलियम मिलता है बोलकर। एक्चुअल रिसोर्स किसको बोलते हैं, जो हम लोग को पता है कि इतने है और हम लोग उसका यूज भी कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स। कंट्री हु डू हैव बीन थ्रोली सर्वे एंड देयर क्वांटिटी हैव बीन एसेटेंस एंड एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल साउथ अरबिया हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड
ऑयल रिजर्व्स है ना, सऊदी अरब में 25.9% जो ऑयल है बोल के हम लोग पता है ना, और उसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग उसको अवेलेबल कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम लोग डेवलपमेंट ऐसे करेंगे जो कि डैमेजिंग नहीं होगा, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होगा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग उसको, स्किल एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको करेंगे, डेवलप करेंगे। इट मीन्स मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन है ना, और हम लोग प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे और फ्यूचर जनरेशन को के लिए भी हम लोग सेव कर रखेंगे। देयरफॉर रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज जुडिशियसली सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ईच आर ऑल्सो कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन है ना। मोस्ट ऑफ द रिसोर्स आर लिमिटेड एंड इन देयर सप्लाई, कुछ रिसोर्सेज है सप्लाई में लिमिटेड है, एक बार यूज कर देंगे ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओवर यूज ऑफ द मेनी अवेलेबल रिसोर्स में दे आर डिग्रेडेशन और डिटेरियरेशन इन द क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल सॉयल है, लैंड है, वाटर रिसोर्स है, दे आर फॉर विच मस्ट बी एसेंशियल है ना, हम लोग उसको मस्ट बी केयर करना चाहिए। यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑल रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग यूज़ करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जितना भी नेचुरल रिसोर्स डिप्लेट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहिए। देन कंजर्व द वेरी स्पाइसिस है ना, कंजर्व जो अलग जो कम स्पाइसिस है उसको भी हम लोग कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। देन यूज ऑफ द रिसोर्स वेरीज फ्रॉम कंट्री टू अनदर, कंट्री टू अनदर ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड स्किल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड टेक्नोलॉजी स्किल्स यूनाइटेड किंगडम है, USA है ना, और प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल के साथ उसको हम लोग उसको कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन आया कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमाइज यूज ऑफ द रिसोर्स है ना, प्रॉपर स्किल और टेक्निक के साथ हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। वी मस्ट रियलाइज द नेचर एंड इट्स रिसोर्स कैन बी मेयरली आवर्स, दे ऑल्सो बींग फ्यूचर जनरेशन, थस नेसेसरी यूज ऑफ द रिसोर्स मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल, पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स है ना। कंजर्वेशन हम लोग ऐसे करेंगे जो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन के साथ है ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग सेव कर रखेंगे। वी हैव क्रिएट ए सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ एंड प्लानेट, एल्स द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे डिस्टर्ब नहीं होगा, हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। आवर अर्थ इज द ओनली हैबिटेबल प्लानेट, सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द सेविंग ऑफ द अर्थ फॉर द डिटेरेशन है ना। और हम लोग का अर्थ जो है ओनली एक अर्थ है जिसमें हम लोग रह सकते, बाकी जो अदर प्लानेट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाता, सो हम लोगों को अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है ना। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, देर आर फॉलो 5 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीयूज एंड रीथिंक। यूज ऑफ द रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड, केयर ऑफ फॉर द नेचर इट विल बी केयर फॉर यू, हम लोग के नेचर का केयर करेंगे तब जाकर नेचर हम लोग का केयर करेंगे है ना। तो रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे है ना, और रीथिंक करेंगे, ये हम लोग का मूल मंत्र है, ठीक है। ओके, थैंक यू।